आप सभी को दिवाली की राम राम। दिवाली का यह पर्व आप सबके जीवन में खुशी लेकर आए, समृद्धि लेकर आए और आपके प्रयासों से समाज के वर्ग में हम खुशी और उल्लास लेकर आए। ये पर्व संकल्प का पर्व है। लोगों की जिंदगियों का बदलने का पर्व है। हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से अपने प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। प्रबुद्ध कार्यकर्ता भाइयों बहनों, दो वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमने इस वैश्विक महामारी चुनौती का मुकाबला किया। सामूहिकता के साथ काम किया, सबने मिलकर काम किया और हमने इस चुनौती को काफी हद तक सबके प्रयासों से इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने का भी काम किया। लेकिन अभी भी कुछ चुनौती हमारे सामने है। आपदा का यह संकट पूर्ण रूप से टला नहीं है, इसलिए हमें अभी भी सावधानी बरतनी होगी, सजगता बरतनी होगी और सजगता सावधानी के लिए समाज में हम नेतृत्व करते हैं तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मुझे याद है उस कोरोना के संकट के समय भी हमारे देश के किसान ही हैं जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से संबल दिया। कोरोना का कितना भी भीषण संकट था लेकिन किसान ने खेत कल्याण जाकर अन्न पैदा किया, सबके लिए दो रोटी का इंतजाम किया। इसी कारण दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया लेकिन भारत के धरतीपुर किसानों के कारण हमने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बनाए रखने का काम किया। हमारे समाज की सामूहिक एकता ने समाज के सभी लोगों के लिए जो वंचित थे, अभाव में थे, उनके लिए भी दो रोटी का इंतजाम किया। मुझे याद है कोरोना के समय तालेड़ा के हाईवे से लोग जब गुजर रहे थे, कोई व्यक्ति ने नहीं कहा, किसी ने आह्वान नहीं किया। समाज के लोग खुद ही आए, उन्होंने राहगीरों को रोटी का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, ठहरने का इंतजाम किया। दूर दराज से कोई धान लगाने किसान आया था तो उसकी चिकित्सा की देखभाल की, उसको घर तक ठीक से पहुंचाने का काम किया। यही हमारे सामाजिकता के संस्कार हैं। लेकिन समय अब बदलता जा रहा है। इस बदलते समय के अंदर
हमें प्रयास ये करना है कि किस तरीके से हम हमारी कृषि को, हमारे कृषि व्यवसाय को अधिक आमदनी का जरिया बना सके। मुझे याद है सारा इलाका कृषि प्रधान देश है, तो ये इलाका भी कृषि से, आर्थिक रूप से कृषि पर ही टिका हुआ है, क्योंकि मेरा गांव भी यही है। कोई व्यक्ति किसी भी बड़े शहर में रह ले, पढ़ ले, लेकिन उसकी जड़ें तो उसकी जमीन से जुड़ी रहती है, और इसीलिए मुझे जानकारी है कि किस तरीके से यहां पर आवागमन के रास्ते नहीं थे, लोगों के एक दूसरी जगह जाने में कई बार बैलगाड़ियों से दिने लग जाते थे। जब हम ठीकरिया गांव से लोहिशा जाते थे तो बैलगाड़ियों से जाते थे, जमीरपुरा से ठीकरिया गांव जाते थे तो साइकिलें कई बार गिर जाती थी। अब रोड कनेक्टिविटी भी बेटर हुई है, कृषि की नई तकनीकी भी आई है। हमें कोशिश करना चाहिए कि कृषि की नई तकनीकी अपनाएं, जिससे हम कम जमीन पे ज्यादा आमदनी कर सके। हमारे सिख समाज के भाइयों ने कुछ हमें सिखाया है, दूर दराज पंजाब से आकर किस तरीके से इस केसराय पाटन और कापरिन इस तालेड़ा के इलाके के अंदर कृषि की नई तकनीकी के आधार पर यहां के हमारे माली समाज के, धाकड़ समाज के लोग हैं, जो माली समाज का व्यक्ति कम जमीन पे कैसे ज्यादा आमदनी कर सकता है। मैं यहां के गांव में गया तो यहां पर गुलाब की फूल की खेती होती है, जब मैं गया तो गुलाब ही गुलाब बिछा रखे, तो मैंने पूछा एक गुलाब ही गुलाब के कहां से लाए कि हमारे गांव में गुलाब की खेती हो। अब उस गुलाब की खेती का के फूल का कैसे बेहतरीन उपयोग हो सकता है। बल्लोभ ने, हमारे एक साथी ने फैक्ट्री जरूर लगाई थी, कितना सफल हुआ मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमें इस सारे इलाके के अंदर चावल उद्योग जरूर लगे, दाल उद्योग जरूर लगे, कुछ सब्जी के प्रोसेस यूनिट भी लगी है, लेकिन इस इलाके के अंदर बहुत संभावना है, और संभावना इस देश में है तो कृषि के क्षेत्र में ही है, और इस कृषि के क्षेत्र में उन संभावनाओं का सब उपयोग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं कोशिश करूंगा कि कोरोना का संकट अब टला है, किस तरीके से इस दिशा की ओर काम करें। मुझे आज इस इलाके के अंदर कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। हमारा गरड़दा का बांध हो, गरड़दा के बांध पर उसके बाद खेत पे पानी पहुंचाना हो, उसके बाद गरड़दा बांध से लोगों को पीने का पानी देना हो, मेरी कोशिश है कि गरड़दा का बांध से 2024 तक हर खेत में पानी पहुंच जाए, हर व्यक्ति को पीने का पानी मिल जाए। आज ही मैंने दिल्ली बात की है, मैंने कहा इस मीटिंग के अंदर गरड़दा के बांध की पीने की स्कीम को स्वीकृत होना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों के गरड़दा के बांध से लोगों को पीने का पानी पिला सके, क्योंकि किसान के खेत में पानी पहुंचाना सबसे बड़ी महती आवश्यकता है। जो हमारा इलाका ऐसा है जहां नहर का पानी नहीं पहुंचा है,
उस सारे इलाके के अंदर के अलावा जो बचे इलाके के अंदर किस तरीके से नहर का पानी पहुंचे, इसके लिए मैंने पूरे मास्टर प्लान को बनाकर इरिगेशन के अधिकारियों को, सीएडी के अधिकारियों को आग्रह किया है कि जो बचा इलाका है उस बचे इलाके के अंदर भी किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना बनाना है। समय लग सकता है लेकिन इसको हमें करना है ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। और प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है देश के अंदर कि हर खेत में पानी और हर घर में पीने का पानी, इन दोनों योजनाओं के लिए सरकार अपना काम कर रही है और इसके बहुत शीघ्र परिणाम भी आएंगे। मुझे याद है इस इलाके के अंदर अभी कृषि आधारित उद्योगों की बहुत संभावना है, इसके लिए भी मैं समय समय पर प्रयास करता रहता हूं, देश भर के लोगों से चर्चा करता रहता हूं कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोड कनेक्टिविटी बेटर है, रेल कनेक्टिविटी है, चंबल का नदी 12 महीने चंबल के नदी में पानी बहने वाली वो नदी है, एग्रीकल्चर के अंदर भी आधुनिक खेती करने वाले किसान हैं। किस तरीके से हम कृषि आधारित उद्योग लगाकर यहां के नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। किसान भाइयों, ये बात सही है, हमारे सामने चुनौती बहुत है लेकिन उतनी चुनौती को मुकाबला करने की हम में असीम क्षमता भी है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम समाज के अंदर उस अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव ला सकते, और ये जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी होनी चाहिए। हमारा नीचे का कार्यकर्ता का जनता से इतना संवाद रहे कि कोई भी समस्या हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी और उसका समाधान निकालने की शक्ति उसके पास होना चाहिए। हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं जिससे गांव में बैठकर ही हम गांव की समस्याओं का समाधान कर सकें। हमारे लोकतंत्र की ताकत यही है। दुनिया के कई देश लोकतंत्र हमसे सीखने इसलिए आते हैं कि हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में हमेशा लोकतंत्र रहा है, सामूहिकता रही है। सारा गांव मिलकर निर्णय करता था, फैसला करता था और उस सारे फैसले को गांव के लोग मानते थे। ये लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, आजादी के पहले भी हमारे गांव के अंदर जब एक एक गांव के पंच पटेल आते थे, बैठकर निर्णय करते थे, निर्णय न्यायपूर्ण भी होते थे और लोगों के सर्वमान्य भी होते थे। हमें उसी प्रणाली को वापस लाना होगा कि किस तरीके से हम गांव में बैठकर हमारे गांव की समस्याओं की भी चर्चा करें, गांव में हमारी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या विचार हो सकता है उसकी चर्चा करें, गांव में हर घर समृद्ध हो, खुशहाल हो, हर परिवार का व्यक्ति स्वस्थ रहे, अच्छी शिक्षा मिले,
इसके लिए भी गांव के अंदर हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे याद है पहले गांव के अंदर स्कूल के बारे में लोग गांव के इतने जुड़े रहते थे क्योंकि सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अभी तो थोड़ी आमदनी होती ही तालेड़ा चल जाता है, तालेड़े चलते तो बूंदी चल जाते, बूंदी तो कोटा चल जाते। पहले तो गांव में पढ़ने के अलावा विकल्प नहीं था, इसलिए गांव में स्कूल अच्छे हों। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम हमारे गांव को अच्छी शिक्षा का केंद्र बनाएं, हमारे स्कूल अच्छे रहें, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार मिलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा के मंदिर अच्छे हों, हमारे चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो, पीने का पानी सबको मिले, रोड कनेक्टिविटी काफी हो चुकी है, कुछ बकाया है, कुछ आप हम प्रयास करेंगे, विधायक महोदय प्रयास कर रहे हैं हर गांव में रोड कनेक्टिविटी है। एक गांव के लोग पिछली बार मुझे मिले थे, उनके सरपंच और वहां के लोग पीछे पड़ते गए तो वहां लाइट लग गई। अगर वो शायद सरकारी सिस्टम में एक बार दो बार तीन बार जाते तो शायद थक के निराश हो जाते, और निराश हो भी गए थे, कई बार उनको चक्कर देते गए, लेकिन गांव में उत्सुकता थी, नौजवान थे, उनके मन में था नहीं हम हमारे गांव में लाइट लगाएंगे इसे, और एक दिन उनको सफलता मिली। और अच्छा कार्यकर्ता वही होता है जो कभी निराश और थकान नहीं होता। मुझे याद है कि बार 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 किसी चीज को हम लगातार हम हमारे लिए नहीं कर रहे, गांव वाला वो कार्यकर्ता मुझे अच्छा लगता है जो गांव की समस्याओं को लेकर आता है। कई कार्यकर्ता ऐसे भी रहते हैं, भाई साहब मैं एक बार भी आपके पास काम लेके नहीं आया। मैंने कहा तू इसलिए नहीं आया कि तेरे पास कोई आया नहीं होगा, तू लेके भी कैसे आएगा। कार्यकर्ता तो वही है जब कभी भी कोई संकट आए तो गांव वाले उस चीज के भाई ये काम छे मगर करा के लाता रही एमपी साहब से छे मेरे हिसाब से छे, जो काम लेकर दिया था ना तो समझ लो वो कुर्ता पजामा तो बहुत बढ़िया पहन रखा है लेकिन उसके पास कोई क्यों नहीं आ रहा। उसका कारण एक ही है कि वो जो कागज आया उसको वही दबा देता है, लोग सोचते हैं ये आगे बात ही नहीं पहुंचाती। हमारी तो यही जिम्मेदारी है, हमारे जलोदी साहब के सरपंच साहब को भी बैठे हैं यहां पर, थको निराश हो गए थे एक दिन आए मेरे पास के साहब रोड नंबर थक गया निराश हो गया, निराश मत हो न निराश न थकान। कर्म करने वाला व्यक्ति जिंदगी के अंदर कर्म करता ही रहे वो उसके स्वभाव में भी होना चाहिए, उसके जीवन में भी होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी मान ले कि साहब मैं इतने साल से, अब कई राजनीति कार्यकर्ता हैं बैठे हैं जिंदगी में हमारे साथ काम करते हुए उनको वर्ष हो गए, हमसे पहले कर रहे हैं, कभी सरपंच भी नहीं बने लेकिन कभी थकान निराश नहीं हुई, लगातार आज भी जनता की सेवा करते रहते हैं। कई राजनीति कार्यकर्ता जल्दी निराश हो जाता है, अरे भाई साहब काय नहीं मिले जिंदगी में। मैंने कहा तुम फल प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे तो कभी सफल नहीं होगे, अपना काम तो कर्म करते जाओ। इसलिए हमारे एमएलए साहब कह रहे थे ना इसको मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना, भगवान ने हमें दायित्व दिया है लोकतंत्र में कि जो दायित्व हमें दिया वो हम संभालें, ठीक से संभालें, और उस संभालने में आपकी प्रेरणा मुझे मिलती है, आपकी शक्ति मुझे मिलती है, और उस प्रेरणा और शक्ति से मैं कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र की संस्थाओं को और पारदर्शी बनाएं और जवाबदेह बनाएं ताकि लोकतंत्र हमारा जीवंत रहे और उस लोकतंत्र के मंदिर में देश की समस्याओं का समाधान हो पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए इस जिम्मेदारी को हम ठीक से निभाएं, क्योंकि आपसे चुनकर मैं गया हूं दिल्ली के अंदर, अगर मैं संसद की कार्रवाई ठीक से नहीं चलाऊंगा तो लोग आपको कहेंगे यार आपने किनको चुनकर भेजा था,
इसलिए मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है उनके विश्वास और भरोसे को कायम रखूं। और इसलिए आज हम सामूहिक रूप से इसलिए मिलते हैं कि सामूहिकता से अपन चर्चा कर सके, संवाद कर सके और किस तरीके से हम लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन बना सकते हैं। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि इस 2 वर्ष के अंदर हमें निश्चित लक्ष्य बनाकर मेरे गांव को सबसे आदर्श गांव बनाना है। इस दिशा पर काम करने की आवश्यकता है। आप जितनी बार आएंगे मेरी कोशिश रहेगी, कुछ काम होंगे कुछ काम नहीं होंगे तो आप निश्चित मानो कि आज नहीं होंगे कल होंगे। जैसे एमएलए साहब ने कई बात बताई, कई बातें बताई, मुझे भी पता है कि लक्ष्मीपुरा जीएसएस का पेंडिंग बहुत दिनों से काम पड़ा है, लक्ष्मीपुरा के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। कई आपने मुझे रोड्स के काम दिए हैं, कई पीने के पानी के काम दिए हैं, कई स्कूल के कमरों के काम दिए हैं। आपके विधायक महोदय भी लगातार 365 दिन 24 घंटे ऐसा विधायक है जो हमेशा जनता के बीच में रहता है, जितनी उनकी क्षमता है उस क्षमता से अधिक काम करते हैं। हम सब इसीलिए आए जी, हम सब इसलिए आपके बीच में आते हैं, इसलिए बार बार आपके बीच में आकर मिलते हैं कि कुछ कठिनाइयां हो कुछ बात हो तो हम उस सही जानकारी हमें मिल सके। कभी कोई कार्यकर्ता बीमार है, बीमारी ऐसी है कि धन नहीं है, धन के कारण इलाज नहीं करा पा रहा हूं, हम कोशिश करें कि उसका ठीक से इलाज हो। कभी किसी का काम जयपुर में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, आपने हमें चुनकर भेजा है कि देश आपका है आज की तारीख में, कभी भी किसी भी कहीं भी काम हो। हमारी कोशिश यही है। मैंने प्रभुलाल जी को भी ये कहा था, मैंने आप कृषि मंत्री रहे हैं, अब काम भी नहीं आपके पास, बेरोजगार हुआ, एक काम कर लो, इस सारे बूंदी जिले के अंदर मैं सबको निशुल्क पौधे दिला दूंगा, अच्छी क्वालिटी के अमरूद पेड़ हो, नींबू हो, नारंगी, जो यहां पे लग सकता हो, हर गांव में हर खेत के अंदर आदमी ये लक्ष्य बनाकर चले कि मुझे मेरे खेत की इस मेड़ पर 100 पौधे लगाने ही लगाने हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी तो कहते हैं, लोग कई बार मानते नहीं है, मैंने कई बार कहा, जिलाध्यक्ष जी कहते हैं मैं 10 बीघा के अंदर 10 लाख कमाता हूं, और ये कहते हैं कि मैं सही बात कहता हूं। मैंने जितने किसानों से बात की, कोई किसान ने निपरा के साहब 1 बीघा में 1 लाख कमा सकते हैं, अगर 1 बीघा में 1 लाख कमाने लग जाए तो शायद सब किसान लखपति हो जाए, पर ये मानते नहीं, ये कहते हैं सर। अगर ये कहते हैं तो मैं ये एग्जीक्यूट कर ले कि अमरूदों का पेड़ ही लगा दे हर घर के अंदर, मतलब इस 1 साल के अंदर 1 लाख पौधा और आप पेड़ लगाओगे तो हर घर में मैं निशुल्क फलदार पौधा लगाता हूं। मैं फलदार पौधा लगाना इसलिए मेरे ध्यान में आया कि मेरे घर पे मैंने बहुत पेड़ लगे हुए हैं, पर एक भी पेड़ फलदार पेड़ नहीं था मेरे घर में। मेरा एक मित्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, जिद करके पूसा से बढ़िया क्वालिटी के पेड़ लाया, 2 साल बाद अभी जब मैं पिछली बार आ रहा था तो मैंने देखा वहां नींबू, इतने बड़े बड़े नींबू लगे हुए थे। हमें जितने भी मारवाड़ में चला गया सब लोग गाय भैंसे पालते हैं, यहां सबसे कम पालते हैं, जबकि यहां पर चारा चढ़ने के लिए जोधपुर से लोग यहां पर आते हैं। हमें आमदनी के बहुआयामी करना पड़ेगा,
मैं पिछली कल परसों मंडी गया था, मैं मंडी गया तो वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि इस बार सरसों की रेट अच्छी है, सोयाबीन की रेट भी सोसो है, धान की रेट भी कम नहीं है पर ज्यादा भी नहीं है। मुझे याद है ईरान, जब तक ईरान नहीं खुलेगा जब तक धान की रेट नहीं बढ़ेगी, मुझे जानकारी है, मैं कोशिश करता रहता हूँ। ईरान के स्पीकर भी मुझे पिछली बार मिले थे, उनका भी आग्रह था, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम ईरान का भारत का व्यापार खुलने का क्या रास्ता हो सकता है। कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां रहती है ताकि यहाँ का धान की आमदनी जब बढ़ेगी, जब ईरान धान जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ के व्यापारी किसान जानकारी करते। मेरी यही आपसे आग्रह है कि हम दो दिशाओं में काम करें, नाली पटान छोटी खरंचा रंचा ये काम हम सरपंच को बताते रहे, लेकिन हमारा पहला काम होना चाहिए कि किसान की आमदनी को बढ़ाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना और सब स्वस्थ रहें, क्योंकि अब दुनिया सारी के सारी इस दिशा की ओर मुड़ गई है कि जब तक जीवन नहीं बचेगा, जान होगी जब जहान होगा ना, इसलिए जीवन बचाना भी जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पिछली बार एमएलए साहब ने कई एम्बुलेंस दिए, यहां दिए वहां दिए हॉस्पिटल दिए, अगली बार दो साल में हमारा प्लान है कि जितने भी इलाके हैं जहां भी सीएससी पीएससी है उनको वेल इक्विपमेंट कर देंगे ताकि लोगों को पास की चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, सारे स्कूल को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के स्कूल बना देंगे, स्कूल हो जाए, चिकित्सा हो जाए, पीने का पानी हो जाए, सारे विषयों पर हम मिलकर काम करना चाहते हैं। आपके सहयोग मिलता रहे, समय समय पर जानकारी मिलती जाए, और मेरी कोशिश रहती है कि जो कागज आप लिख के दो उसमें टेलीफोन नंबर एड्रेस जरूर लिखो, ताकि उसके आधार पर हम कभी जो हमें कोई छोटी मोटी जानकारी भी लेनी हो तो उसकी जानकारी भी लेते जाए। मुझे आशा है कि इस क्षेत्र का किसान बहुत समृद्धशील है, लोग भी बड़े जीवंत है, और मेरा तो आपसे यह परिवार का रिश्ता है और मेरी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। आपने मुझे कई बार चुनकर यहां से भेजा है, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहां के सभी इलाकों के किसान समृद्धशील हो। हमारे कुछ माइनिंग के इलाके लोग भी बैठे हैं, काफी कुछ काम हो गया उनका, बाकी कुछ काम और बचा होगा तो और करेंगे, ताकि इस कोटा का सैंडस्टोन का पत्थर अभी पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और कहां-कहां देशों में जा सकता है, ताकि यहाँ की सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर एक एमएलए साहब तय करेंगे, एक यहाँ बहुत किसान के साथ साथ इस मजदूर बहुत रहते हैं डाबी साइड में, तो डाबी लामो को साइड में जहां आप कहेंगे एक डिस्पेंसरी केंद्रीय श्रम मंत्रालय की खोलने के लिए मैंने कहा है पिछली बार, आप जहां भी कहेंगे एक डिस्पेंसरी और खोल देंगे ताकि मजदूरों को वहां पर ठीक से चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। बूंदी का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी हो जाए ताकि वो भी हो जाए। आप निश्चित रूप से मानिए जो चीजें आपने यहां बताई है उसके सबके परिणाम लाएंगे, निश्चित समय पे लाएंगे, और हम सब मिलकर एक ही जिम्मेदारी है हमारी कि सबके जीवन में खुशहाली लाएं, समृद्धि लाएं, हर व्यक्ति के जीवन में उजाला लाएं। इस काम के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, यहां बैठे लोग सब यहां पर आए कि मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम हमारे इलाके के सब लोगों को समृद्धि ला सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर जो इलाके अभी आज जहां पर नहीं जा पाया, अगले वर्ष जनवरी के अंदर जैसे ही संसद का सत्र निपटेगा आएंगे, हम कोशिश है कि इस बार नहीं तो अगली बार बजट में
जब संसद का सत्र खुल जाएगा तो मैं सबको आपको लोकसभा भी दिखाऊंगा, ताकि सब लोग एक एक मंडल वाइज जैसे एमएलए साहब तय करेंगे, सब लोग लोकसभा में मिलेंगे, वहां पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और आशा है कि अगले साल 2022 में नया संसद भवन भी देख लेंगे, पुराना भी देख लेंगे, नया भी देख लेंगे, दोनों एक साथ देख लेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।